नमस्कार, आप देख रहे हैं अभिषेक क्लासेस यूट्यूब चैनल। प्रिय दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी 2019 तीन साल हो गई है फॉर्म भरे हुए। एग्ज़ाम्स जो है अभी तक पता नहीं है, रेलवे के द्वारा कोई भी नोटिस जारी नहीं किया गया है। जुलाई में संभावना थी, क्या जुलाई में एग्ज़ाम्स हो जाएगी, इसके बारे में मैं चर्चा करूँगा। रेलवे ग्रुप डी की बिल्कुल फैक्ट यहाँ पर डेट बताने वाला हूँ, कब से आपके एग्ज़ाम शुरू हो जाएगी। एंड काफ़ी स्टूडेंट्स मुझे कमेंट्स करके बोल रहे थे, सर हम इस जोन से हमने फॉर्म अप्लाई किया है, सर यहाँ से कितनी कट ऑफ जाएगी, यहाँ से कितना कंपटीशन है। तो सभी जोन का मैंने यहाँ पर डेटा रख दिया है, हाई लेवल से यहाँ पर जो है लो लेवल तक मैंने रखा है। ठीक है, पर सीट जो है कितना कंपटीशन है, कहाँ से सबसे ज़्यादा फॉर्म अप्लाई किए गए हैं, रेलवे ग्रुप डी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाएगी। ध्यानपूर्वक आपको देखनी है, हमेशा की तरह बिना समय गवाए जल्दी से बोर्ड पर आने की कोशिश करिए प्रिय दोस्तों। ठीक है, आरआरसी ग्रुप डी की यहाँ पर चर्चा हो रही है, ऊपर की लाइन को आप एक बार ध्यानपूर्वक पढ़ना, किस जोन से भरे गए हैं, कितने फॉर्म हैं। ठीक है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि किस जोन से कितने फॉर्म भरे गए हैं एंड किस जोन की कट ऑफ जो है सबसे हाई जाएगी और सबसे लॉ जाएगी। ठीक है, बोर्ड पर ध्यान दीजिए प्रिय दोस्तों, ये आपको यहाँ पर जोन दिखाई दे रहे हैं, इधर ये टोटल फॉर्म की संख्या है, ये इतने फॉर्म भरे गए हैं, यहाँ पर ये वैकेंसीज है। ठीक है, और ये पर सीट कंपटीशन है। सुनिए, सबसे पहले बात हो रही है एनसीआर की। एनसीआर के जोन के अंदर आता है इलाहाबाद। ठीक है, इलाहाबाद में टोटल जो फॉर्म भरे गए हैं वो 9,11,082 भरे गए हैं। ठीक है, 9,11,082 यहाँ पर फॉर्म अप्लाई किए गए हैं इलाहाबाद से। यहाँ पर वैकेंसी है 4,730। ठीक है, और यहाँ पर एक सीट पर कंपटीशन है 192 अभ्यर्थियों का। नेक्स्ट, NWR जोन की अगर बात करें, ठीक है, इसमें जयपुर आता है। जयपुर में फॉर्म अप्लाई किए गए हैं 9,61,027, वैकेंसीज है 5,249 और टोटल पर सीट पर कंपटीशन है 183 स्टूडेंट्सों का है। SECR के अंदर बिलासपुर की अगर बात की जाएगी तो यहां पर फॉर्म भरे गए हैं 2,83,231, टोटल वैकेंसीज है प्रिय दोस्तों 1,664, यहां पर सीट पर कंपटीशन है 170। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे ECR के अंदर हाजीपुर आता है। हाजीपुर की अगर बात की जाए तो 5,73,340 फॉर्म भरे गए हैं, वैकेंसीज है यहाँ पर 3,563 और टोटल पर सीट पर कंपटीशन है 161 लोगों का। NWR की बात करें, NWR के अंदर आता है गोरखपुर। गोरखपुर के अंदर टोटल फॉर्म भरे गए हैं 6,20,825, वैकेंसीज यहाँ पर है 4,002, पर सीट पर कंपटीशन है 155 स्टूडेंट्सों का। नेक्स्ट, NR जोन की अगर बात करें, नई दिल्ली। नई दिल्ली के अंदर NR जोन की बात करें तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा फॉर्म अप्लाई किए गए हैं प्यारे दोस्त। यहाँ पर आप फॉर्म देखिए, 19,03,729 फॉर्म अप्लाई किए गए हैं, 13,153 वैकेंसीज है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा वैकेंसीज है तो ज़्यादा फॉर्म अप्लाई किए गए हैं, पर सीट पर कंपटीशन है 144 स्टूडेंट्सों का। WCR की अगर बात करें, जबलपुर आता है। जबलपुर में टोटल फॉर्म अप्लाई किए गए हैं 5,28,589, वैकेंसीज यहां पर है 4,019 और टोटल पर सीट पर कंपटीशन है 131 स्टूडेंट्स का। ECOR की अगर बात करें तो यहां पर भुवनेश्वर आता है। भुवनेश्वर के अंदर टोटल फॉर्म भरे गए हैं 3,18,053, टोटल वैकेंसीज है 2,555, पर सीट कंपटीशन है 124 स्टूडेंट्स का। NFR जहां पर गुवाहाटी आता है, यहां पर फॉर्म भरे गए हैं 3,52,824, यहां पर जो पोस्ट है 2,894, पर सीट कंपटीशन है 122 स्टूडेंट्सों का। उसी प्रकार SER की अगर बात करें, कोलकाता का नाम आता है, यहाँ पर टोटल फॉर्म भरे गए हैं 11,64,682, बहुत ज़्यादा फॉर्म अप्लाई किए गए हैं, वैकेंसीज भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी है, 10,873 वैकेंसीज है, पर सीट कंपटीशन है 107 स्टूडेंट्सों का।
नेक्स्ट SER सिकंदराबाद, ठीक है, यहाँ पर जो फॉर्म भरे गए हैं वो भरे गए हैं 948,418, टोटल वैकेंसीज है 9,328, पर सीट कंपटीशन यहाँ पर है 101 स्टूडेंट्सों का। SER की अगर बात की जाए, यहाँ पर कोलकाता का आता है 4,94,277, यहाँ पर फॉर्म भरे गए हैं, यहाँ पर टोटल पोस्ट है 4,914, ठीक है, और यहाँ पर सीट पर कंपटीशन है 100 स्टूडेंट्सों का। देखिए आपको यहाँ पर कोलकाता का दो बार नाम दिखाई दे रहा है, ये अलग अलग जोन में आता है, एक SER में आता है, एक SER में आता है, ठीक है, ये अलग अलग जो है डिवीजन है। तो यहाँ पर ऐसे मत सोचना कि ये कोलकाता का दो बार, वैसे आप समझदार हो। CR की अगर बात करें, मुंबई 9,07,390 यहाँ पर फॉर्म भरे गए हैं, यहाँ पर पोस्ट है 9,345, पर सीट पर कंपटीशन है 97 स्टूडेंट्स का। SR चेन्नई की अगर बात की जाए, यहाँ पर फॉर्म भरे गए हैं 9,264 फॉर्म भरे गए हैं, यहाँ पर जो पोस्ट है 9,579 है, पर सीट कंपटीशन है 94 स्टूडेंट्स का, ठीक है। नेक्स्ट SWR की अगर बात करें, हुगली का नाम आता है, हुगली में टोटल जो फॉर्म भरे गए हैं 6,70,283 भरे गए हैं, ठीक है, टोटल यहाँ पर वैकेंसीज है हुगली के अंदर 7,167, और यहाँ पर सीट कंपटीशन है 93 स्टूडेंट्स का। नेक्स्ट WR मुंबई का नाम आता है, मुंबई का अलग अलग है, ये CR जोन में आता है, ये WR में आता है, ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पर WR की अगर बात करें, मुंबई की 9,90,470 यहाँ पर फॉर्म भरे गए हैं, यहाँ पर टोटल जो वैकेंसीज है 10,734 है, पर सीट कंपटीशन है यहाँ पर 92। आप देख पा रहे होंगे प्रिय दोस्तों, मैंने हाई लेवल से और नीचा यहाँ पर रखा है, सबसे ज़्यादा कंपटीशन किस जोन में है आपको मालूम चल गया होगा, और सबसे कम कौन से में है, ठीक है, ऊपर से नीचे है, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, आप सारा कुछ मालूम चल जाएगा। ये डाटा मैंने काफ़ी मेहनत के साथ यहाँ पर प्रोवाइड कराया है, आपको वैसे ये इजी लग रहा होगा लेकिन इसमें बहुत मेहनत लगती है प्रिय दोस्तों। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, एक सीट पर पढ़ने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं, इस बात का भी हमें पूरी तरीके से नॉलेज होना चाहिए प्रिय दोस्तों। जैसे उदाहरण के लिए हम पहला डिवीजन उठा के देखें, इलाहाबाद, ठीक है, इलाहाबाद में एक सीट पर कितना कंपटीशन है, 192 स्टूडेंट्स का है। ध्यान देना, 192 स्टूडेंट्स क्या ये पढ़ने वाले हैं, यहाँ पर ये पढ़ने वाले नहीं है सभी, ठीक है। 192 में से अगर बात की जाए, मात्र 50 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ रहे हैं ग्रुप डी के बारे में, सोच रहे हैं कि इस बार ग्रुप डी की हम जॉब लेंगे। बाकी 192 में से काफ़ी स्टूडेंट तो ऐसे हैं जिन्होंने ग्रुप डी की पढ़ाई ही छोड़ दी है, क्योंकि 3 साल हो गए हैं, कोई एग्जाम्स ही नहीं है, तो ग्रुप डी से उन्होंने जो है नाता ही तोड़ दिया है, कोई मतलब ही नहीं है, वो पढ़ाई भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कंपटीशन बहुत गिरा है, बहुत ज़्यादा ग्रुप डी का कंपटीशन गिरा है। आप थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए, आपका सिलेक्शन जो है पक्का है दोस्तों, अच्छी खासी वैकेंसीज है, 1 लाख से ऊपर वैकेंसीज है। ऐसे मत डरिएगा कि एक सीट पर इतना कंपटीशन है, इतना बिल्कुल भी नहीं है, इतने ये पढ़ने वाले नहीं है, मात्र पढ़ने वाले तो इतने स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। ऐसे आप सोच कर रखोगे तो ही आप पढ़ाई कर पाओगे, इस प्रकार ऐसे सोचोगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा प्रिय दोस्तों। यहाँ पर इतने पढ़ने वाले नहीं है, ये 183 कोई पढ़ने वाले नहीं है जयपुर से, ठीक है। 183 में से मात्र 40 या 30 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। तो आपको तो इतना ही ध्यान रखना है कि हम तो 50 स्टूडेंट्स का यहाँ पर कंपटीशन रख रहे हैं, एक सीट पर 50 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पढ़ने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट कुछ लाइन मैंने यहाँ पर लिखी है, उस पर गौर करना, कृपा करके वो बच्चे एग्ज़ाम ना दे जिन्हें लगता है कि उनका NTPC में सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर NTPC वालों से बोल रहा हूँ, आपको लग रहा है कि आपका NTPC में सिलेक्शन हो जाएगा, आपके अच्छे नंबर बन रहे हैं, ठीक है, आंसर की आ चुकी है सभी लेवल की, तो ये आप देख पा रहे होंगे कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। अगर आपके लमसम बढ़िया अच्छे मार्क आ रहे हैं तो आप ग्रुप डी की एग्ज़ाम्स को मत ही देना, क्योंकि बेचारे जो पढ़ने वाले नहीं है, जो कमज़ोर है, ठीक है, 3 साल से वो इस चीज़ का वेट कर रहे हैं, तो आप उनके लिए उस सीट को रिजर्व कर सकते हैं, उनके लिए उस सीट को छोड़ देना। आप अगर वहाँ पर बैठ गए तो काफ़ी ज़्यादा वहाँ की कट ऑफ ज़्यादा दिखाई देगी, इसलिए काफ़ी स्टूडेंट्स जो है इसमें रह जाएंगे,
तो कृपा करके आप ऐसा बिल्कुल नहीं करिएगा, ठीक है एनटीपीसी वाले। नेक्स्ट रेलवे ग्रुप डी एग्जाम डेट की अगर बात करें, कब होगी रेलवे ग्रुप डी एग्जाम्स प्रिय दोस्तों, ध्यान देना, बिल्कुल फैक्ट यहाँ पर बता रहा हूँ, कोई अफवाहें यहाँ पर अफवाहों को देखकर मैं नहीं करता, जो ऑफिशियल मुझे लगता है वो ही मैं आपके लिए यहाँ पर बताता हूँ, ध्यान देना। देखिए अभी तक रेलवे के द्वारा आज तक की अभी तक की मैं अपडेट दे रहा हूँ, कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है कि कब रेलवे ग्रुप डी की एग्ज़ाम होगी। एनटीपीसी की एग्ज़ाम अब समाप्त हो चुकी है, ठीक है, तो उनका सिरदर्द थोड़ा कम हो गया है, अब उनका ओनली फोकस रेलवे ग्रुप डी की पर है। अब वो खाली समय देख रहे हैं कि कौन सा महीना खाली रहेगा जिसमें बाकी एग्ज़ाम्स नहीं होगी, तो उस चीज़ को आप एक बार देखिएगा प्रिय दोस्तों। एसएससी एमटीएस, ठीक है, ये बीच में रोड़ा आ गया है प्रिय दोस्तों, ये काफ़ी, अगर ये बीच में नहीं आती एसएससी एमटीएस तो 100% आपके रेलवे ग्रुप डी की एग्ज़ाम्स जुलाई में स्टार्ट हो जाती, लेकिन एसएससी एमटीएस की जो एग्ज़ाम्स है वो 5 जुलाई से और 22 जुलाई तक है, यानी पूरे महीने जुलाई में एमटीएस की एग्ज़ाम चलेगी। आप जानते हैं एमटीएस जो है एसएससी की बहुत बड़ी एग्ज़ाम्स होती है, सीजीएल 10+2 सबसे बड़ी एग्ज़ाम्स होती है, इसमें लाखों कैंडिडेट्स जो है एग्ज़ाम्स में बैठते हैं, बहुत भीड़ होती है, काफ़ी सेंटर्स को जो है रोका जाता है, इसलिए एमटीएस की एग्ज़ाम्स जुलाई में होने की वजह से 100% यहाँ पर ग्रुप डी की एग्ज़ाम्स जुलाई में नहीं हो सकती प्रिय दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट ग्रुप डी की कब होगी, तो ध्यान देना एसएससी एमटीएस ग्रुप डी इसको कौन लेता है, टीसीएस ही लेता है, क्योंकि एमटीएस भी एक ग्रुप डी ही है, ठीक है, एमटीएस की पोस्ट भी ग्रुप डी के ही अंदर आती है, तो टीसीएस इनकी एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाता है, तो उसका सिरदर्द बना हुआ है कि कब आखिर हम ग्रुप डी को ले, तो इनके लिए जो खाली समय रह रहा है प्रिय दोस्तों, परीक्षा करवाने के लिए खाली समय अगस्त और सितंबर माह रह रहा है, अगस्त और सितंबर में कोई एग्ज़ाम्स नहीं है, वैसे सितंबर में एसएससी सीजीएल की है, लेकिन सीजीएल से इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, वो चलती रहेगी, थोड़े ही दिन है, आप मान सकते हैं अगस्त में पूरी तरीके से रेलवे ग्रुप डी की एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो जाएगी, बिल्कुल यहाँ पर फैक्ट के साथ यहाँ पर बता रहा हूँ, अब पेंडिंग नहीं जाएगी, जुलाई में ही हो जाती, लेकिन ये एमटीएस बीच में फंस चुकी है, इस वजह से नहीं होगी, तो आप अगस्त माह को बिल्कुल टारगेट बना लीजिए, स्टार्ट हो जाएगी रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम, तैयारी करते रहिए, इतना ज़्यादा कंपटीशन अब नहीं है प्रिय दोस्तों, ठीक है। काफ़ी स्टूडेंट्स रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करना छोड़ दिया है उन्होंने, इस वजह से बहुत कम कंपटीशन हो चुका है, आप थोड़ा बहुत पढ़ोगे तो ही आप जो है इसी रेलवे ग्रुप डी की जॉब को ले लोगे, बाकी आपकी कोई अगर समस्या है तो फिर भी आप जो है मुझे कॉमेंट्स करके पूछ सकते हैं, एंड अभी से क्लासेस को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। बाकी कोई भी अगर जानकारी, कोई भी आपसे मेरे से संपर्क करना है, बात करनी है, तो सारी जो है सोशल मीडिया की लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा रखी है, तो वहाँ से आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपनी प्यारी प्यारी उंगलियों से इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और मेरा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए प्रिय दोस्तों अच्छे अच्छे कॉमेंट्स करना, आपके कॉमेंट्स का वेट करूँगा, थैंक यू, धन्यवाद।